हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ाई से हटकर थोड़ा सा अलग बात करते हैं, बिकॉज हमारे बोर्ड के एग्जाम बहुत 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 जल्दी हमारे पास आए जा रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं कि भाई अब हम एंड टाइम रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन करने के लिए कोई भी टेंशन मत लो, अगर रोज बैठोगे रिवीजन कैसे करें तो रिवीजन कब करोगे? तो आपको क्या करना है बेटा, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका अपनाना है और वो ये है कि नंबर वन, अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो अकाउंटेंसी के सारे चैप्टर्स पहले एक लिस्ट में आप लिख लो। अब उसमें उन उन चैप्टर्स को पहले कर लो जो आपका ज्यादा वेट रख रहे हैं, जैसे कंपैरेटिव कॉमन साइंस, हेड और सब हेड का चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर, एडमिशन वाला चैप्टर, रिटायरमेंट और शेयर एंड डिबेंचर वाला चैप्टर, डिसोल्यूशन में केवल रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, इन्हें पहले कवर कर लो। जैसे ही ये कवर हो जाए वैसे ही प्रीवियस ईयर का सैंपल या फिर हमारा सीबीएसई का लास्ट ईयर का पेपर या फिर कोई एक सैंपल पेपर खरीद लो बच्चों, क्योंकि बुक से तो पूरी साल से पढ़ रहे हो लेकिन अब आपका टाइम जो इस मोमेंट पे आपको करना है वो है सैंपल पेपर से पढ़ना। अगर आप सैंपल पेपर के क्वेश्चंस नहीं निकालोगे तो आपके अंदर अकाउंट में किसी भी हालात में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दो से तीन सैंपल जैसे ही सॉल्व होंगे वैसे ही कॉन्फिडेंस अपने आप ही आएगा। रही बीएसटी की बात, बिजनेस स्टडीज में टोटल 12 चैप्टर आ रहे हैं बच्चों, 12 चैप्टर को अगर आप रोज एक चैप्टर भी करते हो, पूरे दिन घर पे हो तो एक चैप्टर पूरे दिन में नहीं कर पा रहे क्या? तो एक का तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा मैंने ज्यादा बोल दिया, टाइम कम है तो एक दिन में दो चैप्टर आप करो तो 6 दिन में हो गया रिवीजन। और एक टारगेट पता होता है तो हम उस दिन वो काम करते हैं, रात को सोने से पहले सोचते हैं क्या हमने दोनों बीएससी के चैप्टर कर लिए, क्या हमने अकाउंट का वो पॉइंट कर लिया, क्या हमने इको का जो आज का टारगेट बनाया था वो कर लिया। तो एक टारगेट सेट होता है तो उस टारगेट के अकॉर्डिंग हम कवर कर लेते हैं। और उसकी दूसरी टिप जो है, दो दो चैप्टर डेली करो। और दूसरी टिप ये है बेटा, जैसे ही 6 दिन में बीएसटी कंप्लीट हो जाए कम से कम 2 से 3 सैंपल पेपर कर लो, इससे कॉन्फिडेंस आएगा, पेपर कैसा होगा पैटर्न मालूम पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बात, हेडिंग इन पर ज्यादा कंसंट्रेट करो और बना के इंग्लिश में लिख देना, और जो आपकी हाइलाइट्स हैं उनको बोर्ड एग्जाम में अंडरलाइन करके आना, जो जो आप चीजों में इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हो उसे अंडरलाइन जरूर करना। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 8 चैप्टर इंडियन इकोनॉमी में है और हमारे 11-12 चैप्टर आपके मैक्रो में है, तो उसके लिए भी अगर आप दोनों का एडिशन कर लो तो 20 चैप्टर हो गए। 20 चैप्टर में भी बेटा अगर आप 3-3 दिन में भी करते हो, जैसे पहला दिन करो आप केवल फर्स्ट यूनिट 1, 2, 3, 4 चैप्टर में मैक्रो के खत्म, दूसरा इस दिन का स्टेप लो आप मनी एंड बैंकिंग खत्म कर दो, तीसरे में एग्रीगेट के 3 चैप्टर खत्म कर दो, उसके बाद लास्ट के 3 चैप्टर, तो 4 दिन यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में आप लोग कर लो 3, 3, 6 और 6 और ये लास्ट में कर लो आप 2। उसके लिए फर्स्ट 3 चैप्टर एक साथ उठाओ और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बाद एनवायरमेंट और एनवायरमेंट के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक दिन के लिए अकेला उठाओ, और 2 चैप्टर जो रह गए रूरल डेवलपमेंट और लास्ट चाइना वाला चैप्टर वो तीसरे दिन के लिए उठाओ। तो 4 और 3, 7 दिन में अपना इको का रिवीजन करो और फिर प्रीवियस ईयर सैंपल या फिर प्रीवियस ईयर पेपर या फिर कोई 2 सैंपल पेपर 3 सैंपल पेपर करो और बहुत बहुत मेहनत से पढ़ो। कम से कम दिन के 10 घंटे पढ़ो। 10 घंटे लग रहा होगा ना बहुत ज्यादा बोला, पूरे 24 घंटे में 10 घंटे भी आप अपनी पढ़ाई के लिए नहीं निकालोगे तो आप यहाँ नहीं पहुंचोगे। यहाँ पहुंचने के लिए इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाइलाइट थ्योरी के सब्जेक्ट में जरूर करके आना, जो इंपॉर्टेंट बात लगे हेडिंग्स और हाइलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अकाउंट में
टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। पेपर इजी होगा, पूरा आता होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, पेपर छूटेगा। तो अच्छे से पढ़ो, गुड लक, और बहुत अच्छे से पेपर देके 100% रिजल्ट लो। और अगर बेटा 100% की सोचोगे ना तो 95% आएंगे। इसलिए टारगेट बनाओ पूरे 100 में से 100, और आएंगे फिर आपके 96, 97, और यूं ही परसेंटेज आपके बेस्ट आएंगे। भूलिएगा बिल्कुल भी मत।